रात्रि का सातवां दिन है और आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ दुर्ग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक कात्रो गांव, जहाँ पर कुंवारी कन्या माता है जो अपने पेट में ज्योति कलश स्थापना की हुई है। अब कात्रो गांव एक किलोमीटर की दूरी पर यही वाला घर है कुंवारी माता का घर, ये देखिए यही। और ये जो आपको किले का झूला दिखाई दे रहा है, इसमें नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी झूला झूलती है। तो घर बैठे आप दर्शन कीजिए कुंवारी माता का और देख सकते हैं किस प्रकार से किले के पलंग में लेटी हुई है माता, जिसमें हजारों किले। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी नवरात्रि चल रहा है, आज नवरात्रि का सातवां दिन है और आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ दुर्ग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक कात्रो गाँव, जहाँ पर कुंवारी कन्या माता है जो अपने पेट में ज्योति कलश स्थापना की हुई है और लगभग 2-3 सालों से ये चलते आ रहा है। तो आज जाकर माता रानी का दर्शन करने वाले हैं, देखते हैं वहाँ किस प्रकार से माहौल है और आज नवरात्रि के सातवां दिन कितने भक्त वहाँ पर आते हैं, वो चीज़ देखने वाले हैं। जैसे जैसे कुंवारी माता के बारे में लोगों को पता चलते जा रहा है, लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते जा रहे हैं, तो आज हम भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आपको भी दर्शन कराने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि कैसे आप जा सकते हैं, कहां पर वो गांव है, पूरी जानकारी मिलेगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं कात्रो गांव के लिए, जो कि दुर्ग के आसपास है और जहां पर कुंवारी माता का घर है। हर साल की तरह इस साल भी माता रानी अपने पेट में जमारा जो है ज्योति कलश प्रज्वलित की हुई है। ये दुर्ग भिलाई वाला रोड है, मेन रोड कात्रो छत्तीसगढ़। यहाँ से 26 किलोमीटर दिखा रहा है और रायपुर से दूरी की बात करूँ तो लगभग 37 किलोमीटर के आसपास है। तो अब पहुँच चुके हैं भिलाई पावर हाउस और यहाँ पर भिलाई पावर हाउस का चौक है। आगे जाएंगे तो भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पड़ता है और बिल्कुल सीधा जाएंगे तो दुर्ग पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ से, यहाँ से एक अंडर ब्रिज है, यहाँ से जाएँगे कात्रो गाँव। गूगल मैप एक रास्ता दिखा रहा है यहाँ से भी है करके, तो फिलहाल इधर से चलते हैं ये अंदर तरफ से। देखिए बड़ा सा गेट लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है वेलकम भिलाई, वेलकम भिलाई, भिलाई में आपका स्वागत है। अब यहाँ से लेना है अपने को लेफ्ट और ये वाला रास्ता आपको लेकर जाता है मैत्री बाग की तरफ, जो भिलाई का मैत्री बाग जू है उधर लेकर जाता है वाला रास्ता, तो इसी वाले रास्ते से आपको जाना है। तो अभी पहुँच चुके हैं दुर्ग उतई रोड में, तो उतई रोड से आपको बिल्कुल जाना है सीधा सीधा। तो अभी मैं आ चुका हूँ दुर्ग का उतई मार्केट रोड में और ये उतई का मार्केट रोड है, यहीं से आपको बिल्कुल सीधा जाना है। तो जब आप उतई रोड से सीधा सीधा आते रहेंगे तो आपको रास्ते में एक बड़ा सा ये पेड़ दिखाई देगा, यहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, कात्रो 2 किलोमीटर करके लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको राइट ले लेना है, ये देखिए लिखा हुआ है कात्रो 2 किलोमीटर। और ये वाला पेड़ ध्यान में रखिए, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है कात्रो गांव के लिए, जो कुंवारी माता का घर है वो कात्रो गांव में है। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं सीधा सीधा गांव के अंदर। तो यहाँ से अब कात्रो गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर है, देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है 1 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं, मात्र 1 किलोमीटर और बचा हुआ है, उसके बाद आपको दर्शन करवाएँगे। जहाँ कुंवारी माता रहती है वो गाँव का रियल में पूरा नाम कात्रोडी है, ये देखिए कात्रोडी लिखा हुआ है। और देखिए गांव की खूबसूरती को, काफ़ी खूबसूरत गांव है, मस्त शांत माहौल है, अच्छा नज़ारा है, यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और सुंदर है। देखिए गांव के घर को, गांव का घर कुछ इस प्रकार से होता है। कात्रो गांव पहुंचकर आप किसी से भी पूछेंगे कि कुंवारी माता का घर कहाँ पर है करके, तो कोई भी आपको आसानी से बता देगा, क्योंकि पूरे गाँव वाले लोग माता को जानते हैं। तो कात्रो गांव का ये सामुदायिक भवन है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और इधर राइट साइड में इधर छोटा सा तालाब है, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है आपको। और जब आप सीधा सीधा जाते रहेंगे तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, छोटा सा बोर्ड नीचे में, जिसमें लिखा हुआ है मात्रोडी 1 किलोमीटर करके यहाँ पर। तो मात्रोडी की तरफ आना है और यहीं पर एक सरकारी स्कूल है कात्रो का, तो यहाँ से सरकारी स्कूल से पहले एक रास्ता पड़ेगा गली जैसा, इस गली में आपको चले जाना है और इधर ही है माता रानी का घर। चलिए चलते हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है और कुछ ही मीटर की दूरी पर है। देखिए घर के बाहर बहुत सारे गाड़ी लगे हुए हैं, यही वाला घर है कुंवारी माता का घर, ये देखिए यही घर है।
अभी मैं पहुंच चुका हूं कुंवारी माता के घर के पास। देख सकते हैं ये कुंवारी माता का घर है और घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई है। ये गाड़ियां सब भक्तगण की है, जितने भी सब भक्त आते जा रहे हैं यहां पर बाहर में गाड़ी खड़ा कर रहे हैं, अंदर माता रानी का दर्शन करने के लिए जाते जा रहे हैं। ये वाला माता रानी का घर है, कैसे आप आ सकते हैं वो मैं आपको अभी बता दिया हूँ। और ये माता रानी का घर है, घर के बाहर दो शेर बने हुए हैं देख सकते हैं, और हनुमान जी और इधर भैरव बाबा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचते जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जैसे ही आप अंदर आएंगे, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड की ओर इधर जोत जमारा वाला रूम पड़ेगा, यहाँ जोत वगैरह भी जलाया गया है। और उधर जाएंगे अंदर तो आंगन में आपको आपको एक झूला दिखाई देगा, किले का झूला। और ये जो आपको किले का झूला दिखाई दे रहा है, इसमें नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी झूला झूलती है, जो कुंवारी माता है वो झूला झूलती है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत झूला है। तो घर बैठे आप दर्शन कीजिए कुंवारी माता का, और देख सकते हैं किस प्रकार से किले के पलंग में लेटी हुई है माता, जिसमें हजारों किले गड़े हुए हैं और उनके ऊपर लेटी हुई है पलंग में, और साथ ही साथ अपने पेट में ज्योति जमारा जो है वो प्रज्वलित की हुई हैं। देख सकते हैं घर बैठे आप दर्शन कीजिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। और मैं माता रानी से ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि वो अभी कष्ट में है और उनका आज सातवां दिन है, बिना कुछ खाए पिए इस किले के पलंग में लेटे हुए हैं। तो मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उनको भी डिस्टर्बेंस हो सकता है ज़्यादा हम बातचीत करेंगे तो, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर हैं और इंटरव्यू लेने वाले न्यूज़ एंकर हैं, वो सब पहुंचते जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो चुका है क्योंकि सात दिन हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और माता रानी का दर्शन करा रहा हूँ। तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फैमिली में हर कोई माता रानी का दर्शन कर सके। और चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक जो कुंवारी माता है वो इसी तरह से लेटी रहती है, और कुंवार नवरात्रि में भी लेटी रहती है। देखिए पूरा किले का पलंग है, इसमें लेटी हुई है माता, और जितने भी भक्तगण श्रद्धालुगण आते जा रहे हैं माता रानी को अपने सेवा दे रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कुछ श्रद्धालु भाई लोग हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं पूछते हैं। भाई क्या नाम है सबसे पहले बताइए? मुरारी ठाकुर। अच्छा आपका नाम? छोटी यादव। गुलशन ठाकुर। तो ये सब भाई लोग दर्शन करने के लिए आए हैं माता रानी का, कुंवारी माता का। कहाँ से आए हो भाई आप लोग? कुंडा गांव से। पाटन से। अच्छा मस्त लगा माता से मिलकर। तो माता का दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में जय माता दी ज़रूर लिखे।